Assalamualaikum to all of you. काशिफ रेड की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास आया हूं। आपके साथ पीएमसी काउंसिल, उस काउंसिल की मीटिंग और मीटिंग के बाद होने वाले डिसीजंस के हवाले से डिटेल से बात करने जा रहा हूं। वहां पे जो जो चीजें डिस्कस हुई, जो जो डिसीजंस हुए, नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, वो सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। बहुत सारी आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर गुड न्यूज है, उसके साथ साथ हो सकता है कुछ आपके लिए बैड न्यूज हो, बट ए टू जेड तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर काशिफ राइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। उसके साथ साथ तमाम स्टूडेंट ने वीडियो लाजमी लाइक करनी है। अगर आपको पाकिस्तान में किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, आप अब्रॉड में पीएमसी अप्रूव टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते इनमें से किसी भी कंट्री में, उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। देखें स्टार्ट में सबसे पहले तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए मेरे पास यहाँ पर दो गुड न्यूज हैं। पहली गुड न्यूज ये है उनके लिए जो एनएलई था, एनएलई की पासिंग रेशियो जो है उसको 70% से रिड्यूस करके 50% कर दिया गया। लोकल के लिए तो डेफिनेटली बात है ये चीज आगे खत्म हो जाएगी, बट फॉरेन ग्रेजुएट के लिए एक अच्छी न्यूज है कि अब उनको चाहे वो एनएलई एग्जाम हो, आपका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हुआ था किसी भी रीजन की वजह से, आपने अब्रॉड में एडमिशन लिया था, तो एनएलई के थ्रू आप वापस पाकिस्तान में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उस पे मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। उसके साथ साथ आपके लिए दूसरा एग्जाम यानी कि एनएलई है, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद उसका भी पासिंग क्राइटेरिया 70% से कम करके 50% कर दिया गया। नेक्स्ट चीज यहां पर ये है कि जो पीएमसी के डिफरेंट पाथवेज थे, फास्ट अप्रैल की पॉलिसी थी, बहुत सारी और चीजें थी, आपने देखा होगा वहां पे किर्गिस्तान वगैरह को एक्सक्लूड कर दिया गया था, आप वहां पर एडमिशन नहीं ले सकते थे, आपके पास जस्ट चाइना रशिया वगैरह के ऑप्शन था। अब वहां पर पीएमसी की जानिब से ये डिसीजन किया गया है कि उस पाथवे को भी रिमूव किया जाएगा, उसकी जगह जितना भी पाथवे यानी कि पहले से चल रहे हैं वो सारे पाथवे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉरन अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो सारे पाथवे खत्म होंगे। आप लोगों के लिए जो है वो कॉलेजेस की एक बाकायदा न्यू लिस्ट आएगी, वहां से जो अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस होंगे आपने सिर्फ और सिर्फ उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। ये लिस्ट एक से दो दिन में अपलोड हो जाएगी। अब आ जाते हैं एमडी कैट के वाले से। एमडी कैट के वाले से अगर आपने मेरी यहाँ पर डिटेल में वीडियोस चेक की हो, मैंने उसमें आपको बताया था कि आपका नेशनल एमडी कैट प्रोविंस लेवल पर किस तरह से जाना है, ये पीएमसी एक्ट के होते हुए कौन कौन से पाथवेज पॉसिबल हैं। चार ऑप्शन थे, उन चार ऑप्शन में से पीएमसी ने पाथवे नंबर 3 सिलेक्ट किया। ये आपका पाथवे नंबर 3 बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह के लास्ट ईयर जो है वो पीएमसी टेप्स के थ्रू आपका एमडी कैट कंडक्ट करती रही है, या फिर नम्स के थ्रू एमडी कैट कंडक्ट किया था, ये बिल्कुल सेम उसी तरह होगा। आपने जस्ट इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। सेम उसी तरह होने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये आपका एमडी कैट जो है वो होगा भी नेशनल लेवल पर, इसका सिलेबस भी नेशनल होगा, क्वेश्चन बैंक भी पीएमसी की जानिब से बनाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पीएमसी मैनेज करेगा। अब अपने यहाँ पर समझना यह है कि यहाँ पर डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस कौन से हैं। डिफरेंसेस यहाँ पर यह है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने जा रहा और ना ही आपका 30 डेज के लिए टेस्ट होंगे, बल्कि आपका सिंगल टेस्ट होगा, पेपर पे होगा, उसके साथ आपको बकायदा कार्बन कॉपी मिलेगी। आप शाम को घर आके टेस्ट देने के बाद अपना रिजल्ट खुद चेक कर सकेंगे और आफ्टर 7 डेज आपका रिजल्ट जो है वो ऑफिशियली पीएमसी की जानिब से पब्लिश भी कर दिया जाएगा। और यही चीज अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ राइट्स ने आपके साथ जो है ऑलरेडी प्रेडिक्ट की थी और आपको डिटेल में बता दिया था कि जी ये वाले ऑप्शन होने जा रहे हैं। अब बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही पीएमसी उन तमाम चीजों को लेकर चल रही है। आप पूछेंगे सर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज का यहाँ पर फिर क्या रोल है जो यूएचएस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, डाओ को कर रहे हैं, केएमयू वगैरह को कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर वही रोल है जो आपका जब पीएमसी थी अली रजा साहब थे, जिस तरह टैप्स का जो रोल था यानी कि उन्होंने एमडी कैट कंडक्ट करना था, सारी चीजें पीएमसी ने डिसाइड की थी, जस्ट उन्होंने कंडक्ट किया था। इसी तरह अगर आप 2020 के एग्जाम्पल ने, नम्स ने टेस्ट कंडक्ट किया था, सारा कुछ डिसाइड पीएमसी ने किया था। अब सेम वही रोल आपके एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज का है, उनको जो अथॉरिटी मिली है वो टेस्ट कंडक्ट करने की मिली है। जो आपका सिलेबस है, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, जो आपका पेपर होगा, ईच एंड एवरीथिंग पीएमसी ने डिसाइड करनी है। जो आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनका रोल जस्ट लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स अरेंजमेंट्स वगैरह के हवाले से होगा। डेट अभी तक डिसाइड नहीं हो सकती, 2 डेट्स हैं यहाँ पर आपकी, 13 को भी हो सकता है या फिर 20 नवंबर को हो सकता है। बेसिकली जो फर्स्ट मीटिंग थी वो आपकी जो है केएमयू के साथ या इस्लामाबाद की एडमिटेड यूनिवर्सिटीज के साथ थी। इधर पंजाब से अभी ऑफिशियली जो है इस हवाले से रिस्पॉन्स नहीं आया, उसके बाद ही डेट फाइनल होगी, बट ये कंफर्म है कि पूरी कंट्री के लिए एक ही डेट होगी। एडमिटेड यूनिवर्सिटीज के हवाले से पंजाब के लिए यूएचएस, बलोचिस्तान के लिए बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहले यूएचएस होता था बट अब बुलान कंडक्ट करेगी। इसी तरह सिंध के लिए जो है वो डाओ,
आपको केपीके के लिए, केएमयू, जीबी वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एमडी कैट कंडक्ट करेगी। पासिंग क्राइटेरिया जो है उसके हवाले से एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एमबीबीएस के लिए 55% होगा, बीडीएस के लिए 45% होगा। बट यहाँ पर आपके लिए एक चीज जो है जिसको आप बैड न्यूज कह सकते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका लास्ट ईयर में जो है वो एमडी कैट फेल था तो इस साल भी आपका वो एमडी कैट जो है फेल ही कंसीडर होगा। रिजल्ट नो डाउट जरूर वैलिड है, इस पे लादा से हम डिबेट भी कर लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर फेल है तो वो फिर आपका फेल ही कंसीडर होगा। ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप इस तरह से मामलात को लेके चलेंगे तो सिंध के बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी जिनको आपने 55% के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया था। डेफिनेटली बात है वो आप उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो बच्चे फेल ही कंसिडर होंगे। या तो मैं स्टूडेंट से यही कहूंगा कि आपको इस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह ताला ये चीज जब फाइनल डिसीजन आएगा तो उसमें जरूर इसमें अमेंडमेंट की जाएंगी। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एमडी का टेस्ट देना था, जिनके लिए अब्रॉड में सेंटर वगैरह थे, यूएई और सऊदी अरेबिया को छोड़कर बाकी जितने भी आपके सेंटर्स थे वो तमाम सेंटर खत्म कर दिए गए हैं। अब्रॉड में सिर्फ इन दो कंट्रीज में टेस्ट कंडक्ट होंगे। बाकी स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो पाकिस्तान आ जाएं या इनमें से किसी भी कंट्री के अंदर जाके आप ये टेस्ट दे सकते हैं। इस वाले से बकायदा प्रेस रिलीज भी आएगी, अभी मैंने आपके साथ स्क्रीन पे इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, फिर जारी बात है जो लोग शेयर करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है। बट इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीजों के हवाले से पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स आपको जल्द मिल जाएगी। अगर ये अपडेट, ये एक्सप्लेनेशन सब कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।